गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी लोग फैक्ट जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बट क्यों, वही हम डिस्कस करेंगे। ए टू जेड इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसके बाद आपको फिर ये शंका नहीं रह जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो आइए देखें। तो जैसा कि हम जानते हैं फैक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई, क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूसेज इन एटीपी, इट प्रोड्यूसेज एटीपी एंड दैट एटीपी एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज, हाउ इट प्रोड्यूसेज एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेज एटीपी विद द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कैसे करता है बच्चों ये एटीपी का प्रोडक्शन? सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर यू जस्ट टोल्ड अस दैट एटीपी एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, टोल्ड मी व्हाई एंड हाउ इट एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एज इट नेम सजेस्ट बच्चों, एटीपी इज द एक्चुअली एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे बच्चों जो ट्राइफॉस्फेट है ना, ये जो तीन फॉस्फेट बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो जब ये एटीपी टूटता है ना एडीपी और पीआई में, तो ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड है इसी का एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है फर्दर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल में, दैट्स व्हाई बोला गया एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर हो गया बच्चों? यही कारण है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। जब भी हम सेलुलर ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो पूरे सेल में सिर्फ दो ही टाइप का सेलुलर ऑर्गेनेल हम लोग को मिलेगा, एक वैसा जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा और एक वैसा जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। अब जब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की, तो फिर वहां भी हमको दो टाइप का सेलुलर ऑर्गेनेल मिलेगा, एक जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा और दूसरा जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, ये डुअल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल है, मतलब ये दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो ना, एक्चुअली ये क्या है, ये पुलर वर्ड है बच्चों। कैसा वर्ड है ये? पुलर वर्ड है, यानी हम लोग बोले तो बहुवचन है। तो फिर आप लोग पूछोगे ना सर, तो सर फिर ये बताइए जब आप इसको बोल रहे हैं कि ये पुलर है तो सिंगुलर इसका क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियम। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियम। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियम। या कुछ कुछ बुक में आप लोग देखिएगा तो माइटोकॉन्ड्रियोन को भी सिंगुलर के रूप में हम लोग लेते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचलन में है कि आज के डेट में हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों ही केस में इसको यूज कर लेते हैं। होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।